हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक टेस्ट है ASO या ASLO, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ये कैसे होता है उसी प्रोसीजर के बारे में आज हम लोग इसको देखेंगे और जानेंगे कि ASO टेस्ट कैसे किया जाता है। सामने में आपको नज़र आ रहा होगा ये तीन वायल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव कंट्रोल है, ये है पॉजिटिव कंट्रोल और ये है इसका रिएजेंट ASO टेस्ट का। स्लाइड मेथड से कैसे करते हैं ये प्रोसीजर आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं करके कि कैसे किया जाता है स्लाइड मेथड पे, जो क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव दो मेथड से किया जाता है, दोनों मेथड से आज आप लोगों को बताने वाले हैं। पहला है क्वालिटेटिव मेथड, ये आज हम आपको करके दिखा रहे हैं कैसे किया जाता है। तो देखिए इस वीडियो को और समझिए कि कैसे किया जाता है। तो देखिए ये क्वालिटेटिव टेस्ट कैसे होता है। यहाँ पे माइक्रो पिपेट है, ये आपको चाहिए 50 माइक्रो लीटर सैंपल के लिए। अगर आपके पास माइक्रो पिपेट नहीं है तो ये ड्रॉपर है, प्लास्टिक का ड्रॉपर, ये चाहिए 1 ड्रॉप सीरम के लिए। उसके बाद सैंपल चाहिए आपको, स्टॉप वॉच है, टाइमर, टाइमर लगाना है। अगर आप दो मिनट के लिए इसका लग किया जाता है, 2 मिनट ASO टाइमिंग होता है, 2 मिनट रोटेट करने के लिए। और ये रिएजेंट है, पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल और इसका रिएजेंट। तो लगाते हैं कि कैसे किया जाता है ये करके बता रहे हैं। सबसे पहले स्लाइड को क्लीन करना है टिश्यू पेपर से। सर्किल जो है, सारा सर्किल देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, पहला सर्किल जो है उसमें लेना है आपको 50 माइक्रो लीटर सैंपल लेना है। ये देखिए 50 माइक्रो लीटर पिपेट से ले रहे हैं, इसमें टिप लगाना है, 50 माइक्रो लीटर का ये माइक्रो पिपेट है, उसमें डालना है 50 माइक्रो लीटर, ये सैंपल है, सीरम, सीरम लेना है 50 माइक्रो लीटर, ये डालना है सैंपल। उसके बाद इसमें डालना है, ये नेगेटिव कंट्रोल है और ये है पॉजिटिव कंट्रोल। जब आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो साथ में नेगेटिव कंट्रोल भी लगता है और उसके बाद पॉजिटिव कंट्रोल भी लगाना है, ये भी लेना है 50-50 माइक्रोलीटर। ये है नेगेटिव कंट्रोल, ग्रीन कलर का कैप वाला, ये डालना है दूसरे नंबर में 50 माइक्रोलीटर। उसके बाद तीसरे नंबर में डालना है पॉजिटिव कंट्रोल, ये है पॉजिटिव कंट्रोल, रेड कलर का कैप है, ये भी डालना है 50 माइक्रोलीटर नंबर 3 में। अब आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो आप सामने में लिख दीजिए या फिर इसी स्लाइड पे आप लिख सकते हैं PC और NC। ये जो आप डाले हैं दो नंबर में ये है NC और तीन नंबर में जो आपने डाला है ये है PC और एक नंबर में जो आपने डाला है वो है सैंपल यानी कि सीरम। अब इसमें डालना है एक एक ड्रॉप रिएजेंट डालना है तीनों में, 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप बराबर होता है 50 माइक्रोलीटर। इसमें डालना है 1 ड्रॉप रिएजेंट, दो नंबर में डालना है 1 ड्रॉप रिएजेंट, उसके बाद ये तीन नंबर में डालना है 1 ड्रॉप रिएजेंट। इसको मिक्स करने के बाद इसको रोटेट करना है 2 मिनट। ये पहला वाला, ये जो सर्किल है पूरा, इसमें पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद दूसरी तरफ से दूसरे को, फिर ये तीन नंबर में जो है पॉजिटिव कंट्रोल, इसको भी मिक्स करना है। अब इसको 2 मिनट के लिए रोटेट करना है, जैसे 40 हो रहा है इसमें, तो 2 मिनट इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आपको दिखेगा, नेगेटिव कंट्रोल में नेगेटिव कंट्रोल आना चाहिए, पॉजिटिव कंट्रोल में पॉजिटिव आना चाहिए, और सैंपल में जो भी आएगा नेगेटिव कंट्रोल से मैच करना है, पॉजिटिव कंट्रोल से मैच करना है। अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव होगा। ये होता है स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड या स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट या स्लाइड मेथड क्वालिटेटिव टेस्ट। इस तरह से रोटेट करना है इसको 2 मिनट। एक मिनट हो गया है, ये देखिए पॉजिटिव कंट्रोल आ चुका है। उसके बाद 1 मिनट और बचा हुआ है, देखिए दो मिनट हो गया है। देखिए ये फाइनल रिजल्ट है, पॉजिटिव कंट्रोल में पॉजिटिव दिख रहा है, एग्लूटिनेशन दिख रहा होगा आप लोगों को, एग्लूटिनेशन का मतलब क्लंपिंग होता है यानी कि फट जाना आम भाषा में। ये एग्लूटिनेशन आ चुका है पॉजिटिव कंट्रोल में पॉजिटिव, नेगेटिव कंट्रोल में नेगेटिव और सैंपल में भी नेगेटिव है। तो ये है क्वालिटेटिव टेस्ट।
ASO क्वालिटेटिव टेस्ट इसी तरह लगाया जाता है। अगर पॉजिटिव आता है पेशेंट का तब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेमी क्वांटिटेटिव में, यानी कि सेमी क्वांटिटेटिव मेथड में करके देते हैं कि इसका कितना है वैल्यू या टाइटर कितना है। अब अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अगली वीडियो आप लोगों को सेमी क्वांटिटेटिव पे रहेगा। ये था क्वालिटेटिव मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।